ये बात है कि जम्मू कश्मीर में जितना हम सब समझते थे अमन है, ज़मीनी हकायक उसके बरक्स कुछ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं पे शायद या तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में चूक हो रही है या किसी और चीज़ में चूक हो रही है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ तो हमें पता नहीं है। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस और हमारी बाकी जो लोग इस सिक्योरिटी ग्रिड के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे लगता है उनको बारीक बीनी से देखना चाहिए कि कहाँ पे चूक हो रही है, ताकि जो आए दिन शहादतें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही हैं, ये लोगों को मायूस कर रही है और ये अच्छी बात नहीं है। डीजीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक प्रोपगंडा चला रही थी, और बहुत इंस्टेंसेस पे जो है पाकिस्तान के एक नैरेटिव को लेकर यहाँ पे कश्मीर में डायरेक्टर जनरल डिस्टर्बेंस पुलिस साहब ज़्यादा पॉलिटिक्स बोलते हैं और सिक्योरिटी के मामलात पे मुझे लगता है शायद कम ही बोलना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो सिक्योरिटी के मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दें और इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो आए दिन हमारे जवानों की शहादत, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों की शहादत हो रही है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। ये बड़ा आसान है, पॉलिटिशनों पे इल्ज़ाम देना बड़ा आसान है और शायद इससे कुछ उनको हासिल नहीं होगा। सो पॉलिटिशनों पे इल्ज़ाम तराशी करना, अगर उससे ये काबू पा सकेंगे जो एक स्पाइक आ गया है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के बिना पे ये कहता हूँ कि उन्हें थोड़ा प्रोफेशनली इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो रही है। अपने कंधे से बोझ उतार के पॉलिटिशियनों के कंधों पे बोझ चढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा।